क्या हिंदू देवी और देवता एलियंस थे? ये बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पर बनाई गई एक सीरीज पर विश्वास करें तो प्राचीन सभ्यताओं के देवता दरअसल एलियंस ही थे। चैनल के शोधकर्ता मानते हैं कि 10,000 ईसा वर्ष पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। इंसानों ने उन्हें अपना देवता फरिश्ता माना और कुछ उन्हें आकाशदेव कहते थे। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिन वॉन डेनी केन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे और न ही उन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह उन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। प्रोफेसर एरिन वॉन डेनिकेन ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का आधुनिकरण किया है। उन्होंने इन ग्रंथों के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे। इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इसका ब्यौरा मिलता है कि उनके ये विमान कैसे दिखते थे और कैसे वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर इन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार भगवान विष्णु एक एलियंस थे। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले चार कुमारों सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा था और फिर उन्होंने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया था। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियमों का उल्लंघन करने या किसी शाप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था, फिर उन्हें धरती पर कुछ दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में तो कोई राक्षस रूप में। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यदि का उल्लेख मिलता है वह एलियंस ही रहा होगा। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में विजयनगरम साम्राज्य सर्पदेव से संबंध रखने वाले लोगों ने बनाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सर्प है। निश्चित ही वह एक एलियंस रहा होगा, या ओरायन से आए एलियंसों ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जंतु बनाए होंगे।